नमस्कार, हम मनीष झाबुआ भाई कथा मैथिली श्रृंखला में लऽ कऽ उपस्थित छी। कथा बृहस्पतिक शेष, जकर लेखक छथि सुरेंद्र झा सुमन। शास्त्र में हमर आस्था कम नहि, मुदा ओकर प्रत्येक पंक्ति के ईश्वरीय आदेश मानवा में हमर क्षमता अधिक नहीं अछि, इहो हम स्वीकार करैत छी। ज्योतिषक ग्रहण गणित पर संपूर्ण विश्वास अछि, मुदा जखन घर चुबैत हो तखन छाड़बाक मुहूर्त ताकबाक लेल पतरा खोल श्रवणा धनिष्ठा देखबाक धैर्य हमरा नहि रहै अछि। मृत्यु योगक डरें वा अमृत योगक लोभें दू दिन पहिने वा पाछा यात्रा करब लाख प्रयत्नों हृदय स्वीकार नहि करै अछि। गामसँ स्टेशन 2 माइल पर अछि, गाड़ी संध्या 7 बजे अबैत छैक। बृहस्पतिक शेष बचेबाक हेतु 4 घंटा पूर्वहि जाय प्लेटफॉर्म पर नीरस प्रतीक्षा में समय बितेबासँ शेषक फल के सहबे सुगम बुझि हम दिन शेषहि में विदा भेलहुँ। बृहस्पति आ शनिक शेष में हम कतौक बेर गेल आयल करै छी, तथापि हमर यात्रा अनेक बेर तेहन बनल अछि जे योग ओ लग्न तारा ओ चंद्रमा के सोधि सोधि चलनिहारों के प्रायः कदाचिते बनैत होइन। किंतु एहि बेर यात्रा योग हमरा प्रभावित करबाक हेतु वा की हेतु नहि जानि अनुकूल नहि पड़ल। टमटम रेस में दौड़ले अबैत छलहुँ, ताबत चरवाह ओगरबाहक ढेप चेप सँ क्षुब्ध भीत सार हॉर्स पावर सँ अधिक वृषस्कंध शक्तिकेँ प्रकाशित करैत दौड़ी गेल। कहब व्यर्थ हैत जे घोड़ा प्रायः अपन गतिवेग के गुप्त रूपे देखेबाक हेतु अहि साज के तोड़ैत कतौक दूर दौड़ पड़ैल। साँढ़ होकर गतिवेगक तेजी स्वीकार केलकैक बा नहि से नहि कहि, मुदा हमरा लोकनिके निश्चय जे तारतम्य देखबाक अवसर नहि छल। हाथ पैर नहि टूटल, तकरे भाग्यमानि चाँछल शरीर, फाटल धोती और टूटल फूटल सामानक संग गाड़ी पकड़बाक हेतु केवल नौकर के लय पैदले स्टेशन दिस विदा भेलहुँ। स्टेशन पर पहुँचैत देखल गाड़ी ठाढ़ अछि, पाछाँ ताकल, नौकर मोटा सम्हारे 2 बीघा पछुआयल अछि। हम ओकरा झट एबाक संकेत करैत टिकट घर पहुँचलहुँ। नोटक चेंज नहि रहने यावत टिकटक हेतु किछु दोसर इंतजाम करी, ताबत गार्ड सीटी बजौलनि, बिन टिकटें दौड़ जा चढ़लहुँ। गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़ैत छल ताबत देखल नौकर हकबकायल मोटा नेने ठाढ़ रहि गेल। मन में अवसादक अनुभव करते छलहुँ, ताबत कोढ़ी कुरियनी जकाँ, गर्मीक मच्छर जकाँ, माघक मेघ जकाँ टीटीसी हाथ में टिकट प्रेशर के खटखटबैत पहुँचला। टिकट नहीं भेटवा को एहि स्टेशन में चढ़वा कथा कहनों, पेनल्टीक संग जंक्शन से पूरा चार्ज असूल के हमर पिंड छोड़लनि। अव्यवहिते बैसल एक युवक से अपन कुयात्रा घटना हम वर्णन करते छलों, ताबत दोसर बेंच से एक अधवयसु व्यक्ति तमाकूक जूम से ठोर ऊँच कर टिपलनि, ई सब हो कोना नहीं जखन अहाँ बृहस्पतिक शेष में विदा भेलहुँ, शेषक फल कतौ बाम जाय। एहि टीका पर हमरा मन में वक्ता पर विरक्तिक भाव उदित भेल। हम कहलियनि, बेस, आब यात्रा करब तँ अपनहिसँ मुहूर्त तकबा लेब। एहि उत्तर सँ वृद्धक मुँह कोना बिचकलनि से देखबाक चेष्टा नहि कयल। किंतु बृहस्पतिक शेषक चर्चासँ लग बैसल ओहि पूर्व किंचित हँसी पश्चात विषादक जे काल्हिमा ओहि हँसीके विकृत बना देलक से हमरा आँखिसँ अज्ञात नहि रहल। हम पूछि बैसलियनि, की बृहस्पतिक शेषमे अहाँक विश्वास अइ? ओह, बृहस्पतिक शेष तँ हम जीवनमे कहियो बिसरि नहि सकब, ओ हमर बड़ पैघ अनिष्ट कयने अछि। वृद्धक मुँह पर प्रसन्नता दौड़ गेल, ओ अपन पक्षक समर्थन बुझि उत्साहित भए बजला, हाँ ओ बाबू, अंग्रेजिया बाबू लोकनि एकरा भने नहि मानत, मुदा जकरा पर बीतल हेतै ओ कोना ई सब बिसरत। युवकक एहि वाक्यक कोनो विशेष प्रभाव नहि पड़ल। हम बूढ़ा पर किछु और विरक्त भेलहुँ। पुनः उत्सुकतावश युवकक म्लान मुखक दिस देखैत पूछय पड़ल, से की? दीर्घ निश्वास ग्रहण करैत युवक कहब प्रारंभ कयलनि, वर्ष दिनसँ जाहि घटनाक माला विचित्र रूपे गाँथल गेल छल ओकर सूत्रकेँ अकस्मात छिन्न केनिहार यह बृहस्पतिक शेष थिक। हमर मतलब वैवाहिक कथा सूत्रसँ अछि। सभ उत्सुकताकेँ बढ़बै तो युवक कहैत गेलाह, हाँ, हम ओहि समय पटना कॉलेज में पढ़ैत छलहुँ,
विवाहक संबंध में हमर विचार रहित आयल अछि से अपना समाज में बिना वैयक्तिक अभिज्ञाने जेना दू युवक युवती के जीवन के वैवाहिक सूत्र में आबद्ध कैल देल जाय छै से सुखमय दाम्पत्य बाधक थिक, कोर्टशिपक पक्षपाती नहि छी। तथापि एतेक तँ अवश्य जे दू दू प्राणी आजीवन एक सूत्र में आबद्ध रहत तकरा साधारणे परिचय नहि तँ अवलोकनहुक प्रसंग अवश्य उपस्थित कयल जाय। हमर विचारक अक्षर अक्षर पोषक छलाह हमर अभिन्न सहपाठी मित्र ताराकांत। एहि प्रसंग दुहु गोटे कतेक विचार विनिमय करैत अयलहुँ। एक दिन ताराकांत किछु विलम्बसँ डेरा पहुँचलाह। एक रूम में हम दुनू गोटे रहैत छलहुँ। देरीक कारण पुछला पर कहलनि जे हमर एक संबंधी चिकित्सा हेतु सपरिवार आयल छथि, हुनक आग्रह ओतय अटकय पड़ल, ओ ओतहि जलपान भोजन करब ठीक हैत करय पड़ल। पुनः हँसैत कहलनि जे काल्हि अहूँ हेतुक निमंत्रण नेने आयल छी, सङ्गहि काल्हि ओतहि जलपान करय पड़त। हम किछु विस्मये पुछलियनि, हमरासँ ने हुनका परिचय ने ओकर प्रसंग, तखन ई आकाशी निमंत्रण कोना? किछु नहि, ई सब तोहरे शैतानी थिक। ताराकांत अपन हँसीके असफल रूपमे दबबैत बजलाह, जखन परिचय हेतह तखन हमरा धन्यवाद देबय पड़तह। हमरा किछु तात्पर्य बुझबामे नहि आयल, अनिच्छो कहैक पड़ल जे जखन तो निमंत्रण माँगि नेने छह तँ हम नहि कोना कहि सकैत छियौ। दोसर दिन हम दुनू गोटे अपरिचित अतिथिक ओतय पहुँचलहुँ। ओहि समय बाहर बरामदा पर केओ व्यक्ति नहि छल। एक बालिका समकक्ष कोठलीमे रुमाल पर किछु काज कए रहल छलीह। अपरिचितक सङ्ग ताराकांतके अबैत देखि ओ भीतर कोठली दिस चल गेली। ताराकांत हमर हाथ दबैत कहलनि, एहि मूर्तिके देख राखू। किछु कालक बाद एक भद्र पुरुष बाहर अयलाह, नमस्कार पाती भेल। स्वागत सत्कारक बीच हमरा ई बहान होयबामे विलम्ब नहि भेल जे एक अपरिचितक प्रति एहि प्रकारक आदर भावमे कोनो लक्षण विशेष अवश्य छैक। घर भरिक चहल पहल, ओ अन्दरक अनेक आँखिक खिड़कीक पर्दाक इजोतमे हमरा दिस ताकब, एक बालिकाक सज्जल भावे तिरोहित हैब, एहि सबसँ ताराकांत हँसीक जखन समन्वय कयल तँ हमर अविवाहित हृदयमे सब योजना ऐनामे प्रतिबिम्ब जकाँ स्पष्ट भए गेल। संध्या समय जखन हम दुनू गोटे फिरलहुँ तखन कहब व्यर्थ होयत जे रास्ता भरि ओहि बालिकाक रूप गुणक आलोचना चलैत रहल। हम शब्दे नहि तँ मनहि मन ताराकांतक एहि निमंत्रण पत्र स्वीकार पर धन्यवाद अवश्य देलियनि। पश्चात हमरा लोकनिके कतेक बेर निमंत्रण भेटल, परिवर्तनमे हमरा लोकनिके निमंत्रण देमय पड़ल। अन्तमे कथाक सूत्रपात संगीतमे नहि रहि वाक्यमे स्पष्ट भेल। ओ कुमारि कन्या ताराकांतक सम्बन्धिक भगिनी छली। ओ उपयुक्त पात्रक तलाशमे हुनक आँखि हमरे पर गरलनि। ताराकांत घटक भने नहि होइत, मुदा एहि घटकैतीसँ हम यदा कदा हुनका घटकराजके सम्बोधन करियनि। 6 मास आओर बीतल, स्वास्थ्य लाभके ओ भद्र पुरुष गाम फिरलाह। ताराकांतक चिट्ठी पत्रीसँ पता लागल जे एहि कथाक खबरि बालिकाक पिताके दै देल गेल छनि। हमरा बाबूजीसँ सम्बन्धमे विचार विनिमय चलि रहल अछि। एक दिन एकरो सूचना भेटल जे बाबूजी कथासँ सहमत छथि, अग्रिम शुद्धमे सभागाछीमे कथा स्थिर भए सिद्धान्त हैत। बीचमे हमरा ताराकांतक बीच एहि कथा लक्ष्यके कन्याक नाम कहबहुमे कोनो छति नहि। बालिका सुशीलाक सम्बन्धमे नियमित रूपे चर्चा होइत छल। हम शुष्क कण्ठसँ सेब घोटैत युवकके बीचमे टोकलियनि, हँ तखन सभागाछीमे की भेल से कहू ने। युवक बीचमे अनावश्यक टोकारासँ किछु अनुत्साहित भए किछु कहि पुनः कहय लगलाह, हँ सौराठ सभाक उपान्तमे हमरा सङ्गले बाबूजी पहुँचलाह। उम्हर सुशीलाक पिता कथा प्रसङ्गले उपस्थित छलाह। यद्यपि कथा घटिते जकाँ छल तथापि घटक लोकनिक आवागमनसँ हमर भाषा विशेष चहल पहल छल। बाबूजीकेँ हमर अभिमतक पता किछु लागि चुकल छलनि, अतएव कथा स्थिर होयबामे कोनो अड़चन नहि पड़ल, केवल सिद्धांत लिखेबे बाकी छल, तकर अभिन्यास होमय लागल। सुशीलाक पिता बीचमे बाजि उठला, एखन बृहस्पतिक शेष छैक, अतएव ओकरा बितलापर एहि कार्यक अनुष्ठान हो, हमहूँ ताबत गामसँ भेल अबैत छी। नहि केओ नहि कहि सकला, शुभ कार्य शुभ मुहूर्तमे होयबाक चाही। कन्यागतक घर सभासँ कोषाभ्यन्तरे छलनि, ओ लगले फिर अयबा लए विदा भेलाह। शेष शुद्ध छल,
की स्टेशनक टिकट घर में टिकट कटबाक भीड़ हैत ततेक पंजीकारक वासा सब पर छल। जेना तीर्थ सब में यजमान ले पंडा सब में उपरा चढ़ी होइत छैक तहिना बरक हेतु कन्यागत लोकनिक धरहेर लागल छल। आध घंटा औरो बीतल। सुशीलाक पिता के नहीं फिरैत देख क्षुब्ध स्वरे बाजि उठला, देखू हमरा संगे ई धुरतै, बेस हम आब अटकब नहि। हमरा कंठ में सेपक पता नहीं छल, छाती धक धक करैत छल, मने मन देवी देवता कबलापाती करैत छलौं, मगर हैरे भाग एखनो कोनो पता नहि। ओहि सभा असंख्य भीड़ में आँखि ककरो ताकि रहल छल। बाबूजीक अहमत बुझि घटक लोकनि एहि प्रकारक धुरतैक आरोप कटु आलोचना करैत अपन अपन कथा प्रसंग उठौलनि। बाबूजी झट स्वीकार कए एक वकील साहेब के सिद्धांत लिखेबाक आज्ञा दे देल। हम मने मन विषण छलौं, मुदा एहना सन स्थिति में बाबूजीक समक्ष मुँह खोलब असंभव भए गेल। कए बेर मन में उठाए जे कहि दियनि हम एखन ब्याह तिया नहि करब, मुदा अदृष्ट कहू, जटिल संकोच कहू, कंठ सँ आगा निषेधक वाक्य के बढ़य नहि देलक। फलतः सिद्धांत लिखाओल गेल एवं टैक्सी पर सब केओ चढ़ विदा होयबाक हेतु प्रस्तुत भेलहुँ। ड्राइवर स्टार्ट करते छल ताबत सुशीलाक पिता पटनाक पूर्व परिचित भद्र पुरुषक संग उपस्थित भेलाह। हिनका किछु कहबासँ पूर्वहि बाबूजी कहि उठला, शेष बितबैत अपने कथा के शेष कहि देल, हमर दोष जुन देव, कतेक काल धरि बाट तक तखन दोसर कथाक सिद्धांत भेल। हम माथे झुकौने छलहुँ, सुशीलाक पिता हमरा बाबूजीक दिस याचनाक दृष्टिसँ देख रहल छलाह। ओ भद्र पुरुष दृष्टि हमरे पर छलनि। हम जावत संकोच त्याग किछु कहबाक उपक्रम करी ताबत ड्राइवर बाबूजीक संकेत पाबि मोटर स्टार्ट कए देलक। हमर कंठक शब्द मोटरक घरघरी में विलीन भए गेल। युवकक कहब शेष भेलनि ता आर किछु कहबाक छनि तकर विचार नहि कए हम पूछि बैसलियनि, हाँ तो ओहि कन्याक विवाह कतय भेलैक, युवक रुद्ध कंठ के साफ करैत बजला। सुनै छी जे मधुपुर प्रांतक चंद्रनाथ झा नामक एक स्कूल मास्टरक संग कन्याक विवाह भेलैक अछि। ताबत गाड़ी स्टेशन पर आबि रुकलैक, हम चौंक के उतरि गेलहुँ। प्लेटफार्म पर आबि उक्त युवक के नमस्कार करैत कहलियनि, हम मधुपुरे रहै छी आ हमरे नाम थिक चंद्रनाथ। गाड़ी खुजि गेल छलैक, हम नहि देख सकलियनि जे युवकक मुखमंडल ओहि सबटा संकोचसँ लाल छलनि वा ईर्ष्यासँ श्याम अथवा विस्मयसँ उज्जर। आब जखन हम अपन पत्नीसँ बृहस्पतिक शेषक चर्चा करैत छी तऽ ओ लज्जा मिश्रित हँसीसँ कहैत छथि, बृहस्पतिक शेष जकरा लए अभागल भेलैक होक, मुदा हमरा लए तऽ भाग्ये खोलि देलक। हम विवाद कए उठैत छी, नहि भाग्य तऽ हमर खुजल। ई विवाद तखने बंद होइत जखन दुनू गोटे अभिन्न भय आधा आधी भाग्यक बंटवारा कै लैत छी। आजुक कथाक प्रायोजक छल साउंड वेव्स प्रोडक्शन। एहने एहने सुंदर आ रोचक कथा सुनबा लेल कथा मैथिली चैनल के लाइक करू, सब्सक्राइब करू आ शेयर कऽ कऽ बेसी सँ बेसी लोक धरि पहुँचेबा मे सहयोग करी। धन्यवाद।